सीधा आंसर है क्योंकि आपको पता है भारत का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम वो कहाँ बन रहा है, ओडिशा में ही बन रहा है। ये भी आपको याद है, कई बार ये क्वेश्चन ना ऐसा घूम के आ सकता है। तो इस बार इसने ये पूछ लिया कि किसने स्पॉन्सर किया था, तब भी आसान था, और नहीं तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो मैंने पेपर में किया था कि इसका हाइस्ट जो सबसे बड़ा आपका हॉकी स्टेडियम है वो कहाँ बन रहा है, वो भी आपका ओडिशा में बन रहा है। ये याद रखना, क्योंकि जब मैंने कहा था ना जो घूम के, ये क्वेश्चन मैं दे चुका था कि आपका कहाँ बड़ा आपका क्या है स्टेडियम बन रहा है, वो तो आसान था ओडिशा। उसने घुमा के उल्टा क्वेश्चन पूछा कि दोनों को स्पॉन्सर किसने किया था। अगर आपको याद हो, जब ये जीत तो नहीं पाया था लेकिन आपके सेकंड रनर अप रहे थे, तो आपको याद होगा उस वक्त उन्होंने धन्यवाद किया था भारत सरकार के साथ साथ ओडिशा सरकार का भी धन्यवाद किया था कि उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया। और बहुत बड़ा लेख भी आया था उसने, हर अखबार को लेख का छपा हुआ, इसके वो बात कर रहे थे कि हाँ भाई हम धन्यवाद करते हैं ओडिशा का। अगला है 2021 में विभाजन बीबीसी का स्मरण। अब से जब तीन पेपर अगर पहले आप देखोगे तो पेपर में सेम वर्डिंग लिखी है, और अगर याद हो तो उसमें वही गेम खेले जो मैंने खेला आपसे था, सेम ऑप्शन भी सेम दिए, सारी चीजें लिखा है। देखो 2021 सब लिखा है। ये आसान था क्योंकि उसने ना इस सन पे नहीं खेला, इसने किस पे खेला, तारीखों पे, तो तारीख सबको याद है, इसका आंसर है 14 अगस्त, याद है ना। तो ये चीज आपके लिए आसान पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है इनमें से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये गुरुजी कई बार पढ़ा चुके हैं और मैं भी अपने पेपर में कई बार दे चुका हूँ क्वेश्चन, आंसर डेट था संतानम समिति। ये इससे रिलेटेड नहीं थी, ये आपका जो है दूसरे रिफॉर्म से रिलेटेड थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ये तीन आपको याद है। इससे हमेशा पंचायती राज से दो क्वेश्चन आपके पास भी आएंगे, आने वाले जितने एग्जाम होंगे दो क्वेश्चन हमेशा रहेंगे, इसमें भी आप देखोगे तो दो क्वेश्चन इसमें है। अगला, निम्नलिखित में सबसे पुराना अणु शक्ति स्टेशन कौन सा था, कौन सा होगा, तारापुर। ये बिल्कुल सही कर रहा है, इस बदले नहीं सही कर रहा है, तारापुर इसका सही आंसर है। कहाँ है तारापुर, महाराष्ट्र, ठीक है ना। ये हमारा न्यूक्लियर जो है आपका स्टेशन है तारापुर में, ये सबसे पुराना है। किसके साथ बना रहे हैं ये भी पता होना चाहिए, रशिया के साथ की अमेरिका के साथ, ये आपका रशिया होना चाहिए, ठीक है ना। रशिया ऐसी एक बार देख लेना, रशिया यूएसए में से एक है, वैसे रशिया ये काम कर रहा है, ये मिक्स है, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा याद है। अगला, किन्हीं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को पुनः नियुक्त किया गया, सिंपल है, ठीक है। देखो मैं जब अपना पेपर बनाता हूँ दो चार वर्तनियां खराब हो जाती है मतलब लिखने में, तो देखो उन्होंने ये गलती कर दी, किन्हें मतलब कई बार नहीं इस टाइप की वर्तनियां दो चार में देखे हुए गलती करते हैं। इसका आंसर क्या, इसका आंसर सबको बताया शक्तिकांत दास को, यह दोबारा बना दिया गया। अगला है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, ये क्वेश्चन अगर किसी को नहीं आता तो भैया है स्पेशल 26 मूवी में सुना है ना, चुल्लू बर्फानी लो और डूब जाओ, मर जाओ, ठीक है। इसका आंसर क्या है, सारना, हर किसी को पता होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है ना। ये तो जिसने कर रखा है गद्दे ने क्या कर रखा है, बहुत बढ़िया कर रखा है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप याद रखोगे इस टाइप का क्वेश्चन जब भी। अगला क्वेश्चन आप उसे अब से कुछ दिन पहले कुछ बच्चे आप तो नहीं पूछ रहे थे, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे पूछा पीछे साल में कि सर ये सातवां नीचे नीचे ये क्या पढ़े। मैंने कहा ज्यादा मत पढ़ो, लेकिन जितने क्वेश्चन मैं पेपर में दे रहा हूँ उतना पढ़ लोगे। देखो आगे वही क्वेश्चन, देखो खारवेल वाला क्वेश्चन आ चुका है, खारवेल का संबंध कौन से जो है अभिलेख से हमें देखने को मिलता है, और सेम क्वेश्चन अगर थोड़ा ध्यान हो, ऐसा क्वेश्चन लिखा तो नहीं था मैंने, और मैंने ऐसा आपको क्या है फीलिंग का पूछो ना मैच वाला क्वेश्चन, उसमें खारवेल वाला सेम क्वेश्चन था, आंसर था हम्पी गुफा लेख, ठीक है ना। ये आप देख रहे हम्पी वाला हाथी गुफा वाला, ठीक है ना, ये आप क्या करेंगे। अगर 18 क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आते हैं छोड़ने के लिए, इन क्वेश्चनों को कभी नहीं करना चाहिए, अगर आपको क्लियर याद है तो करें, नहीं तो आप इनको छोड़ सकते हैं। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सोमदेव ही सही है, ठीक है। अगला देखोगे, अगला आता है आपको बताना था कि अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई बुक है, जो उसने नहीं लिखी, इसका मतलब है सारी बुकें लिखी होंगी। अब आपको याद होगा तो एक बुक आपको हमेशा याद रखी, ये खजाइन को लिखी है, मैंने तीन बार पेपर में पूछ लिए और नहीं पूछिए, लेकिन अगर कोई अमीर खुसरो जो मैं कहता हूँ कोई भी पेपर में मैं क्वेश्चन देता हूँ तो उसके आगे पीछे की चीजें पढ़ो, अमीर खुसरो के बारे में पढ़ते तो आपको पता चल जाता है इसमें कौन सा है। अगर आपको याद हो तो जब मैं पवार वंश पढ़ा रहा था तो पवार वंश मैंने एक चीज बताई थी कि पवार वंशों का उल्लेख कहाँ से मिलता है, और उसमें एक बुक लिखी थी ये वाली, याद है मासीर, उस बंदे का नाम भी मासीर था, उस बंदे के नाम पे एक मानसिक थी उसकी बुक थी, तो ये खुद ही किनारे हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आपको आता नहीं आता थोड़ा पवार वंश याद आता तो मैं छह बुकें लिखाई थी कि पवार वंश का उल्लेख किसमें मिलता था, ये बुक को भी है, इससे ये बाहर लगा था, यानी ओ वाला आंसर सी था। अकबर का मकबरा कहाँ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद होगा मैंने सिंपल सी बात कही थी पेपर से अभी कुछ दिनों पहले, मैं एक बात और कह रहा था सबसे, मैंने कहा कि जब भी पढ़ना है तो याद है मैंने एक दिन आपको बताया कौन सी चीज आप मुगल में पढ़ोगे, तो अकबर औरंगजेब मैंने हमेशा कहा इन दो को पढ़ के जाओ, अकबर इनसे ज्यादा, अकबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर तो सबको पता है कहाँ है, सिकंदराबाद,
जो दो सॉरी सिकंदरा, ठीक है ना। अगला 21वां है, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना का सेनापति कौन सा था। गुरुजी ने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा और मैंने देखा है उस नोट को, क्योंकि हम क्या करते हैं जो आप यहाँ पढ़ते हो उसे हम फेसबुक में भी डालते हैं ना, फेसबुक पूरी वीडियो पड़ी रहती है, कई बार आप भूल जाते हो तो वीडियो से फेसबुक की वीडियो से यूट्यूब में भी पढ़ता उससे भी देख सकते हो, कई बार आप सुन सकते हो ना कान पे लगा के सुन लो पूरा सेम बताया हुआ। इसका आंसर तो आपको बताइए कौन सा है, हेक्टर मुनरो। अगला क्वेश्चन देखोगे आप, अगला क्वेश्चन क्या है, दास कविता यार, ये किताब तो 10 बार पढ़ चुका हूँ और कम से कम बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था। तो ये देखो याद देखो किसने जो भी करा हो गलत कर दिया। अकबर इसका आंसर था किसी विजय के बाद, कई बार क्वेश्चन आता है गुजरात विजय के बाद है कौन सा निर्माण हुआ था, तो वो है बुलंद दरवाजा। कहाँ है बुलंद दरवाजा, गुजरात में, फतेहपुर से, हाँ फतेहपुर में ही है। अगला 24वां, आपको बताना था कौन सा सुमेरित नहीं है। देखो अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है नहीं, वैसे सर आपको पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री कवर कराएंगे, ज्यादा नहीं 4-5 दिन में मेन मेन टॉपिक नहीं, तो अगर आपको याद हो तो मैंने पेपर के थ्रू ये कवर करा रखी, पेपर में कई बार दिया था ना, बीच में दिया था जर्मन की क्रांति इस टाइप का। इसका आंसर जो होगा वो आपका चर्चिल है, ये इससे गलत है और सारे अपनी जगह से ही मिले हैं, सारे उसी चीज से संबंध में विचार आ रहे हैं, नाजीवाद उसकी विचार आ रहा है ना, इनकी यही विचार आ रहा है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन कई बार दिखेंगे। अगला आता है गोल गुंबज कहाँ है, तो कहाँ है गोल गुंबज, बीजापुर, बीजापुर में, हैदराबाद, लगा दिमाग लगाओ कहाँ है, ये आपका पटना में होगा, पटना में है गोल गुंबज, एक बार से देख लेना, क्योंकि गोल गुंबज 3 है। अब अभी इसका आंसर अगर क्लियर नहीं कर पाएंगे तो देखने की वजह से मेरे हिसाब से इसका आंसर पटना होना चाहिए, ठीक है ना, एक बार देख लेंगे कर लेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, थॉमस मुनरो किस, याद करो परसों मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था तीनों बंदोबस्त याद है ना, तारीख भी बताई थी मैंने, तीन बंदोबस्त याद ना, ये आते आते हैं इस बार आ गया वही क्वेश्चन डायरेक्ट। थॉमस मुनरो किससे था, आपका सीधा भूमि बंदोबस्त। अच्छा कौन से भूमि बंदोबस्त है ये बता सकता कोई, रैयतवाड़ी, अच्छे से बताया था, ये नाम याद रखने और इनके सन याद रखने, और किसका कितना प्रतिशत, किसका ज्यादा प्रतिशत है आपका, किसका, रैयतवाड़ी का आपका सबसे ज्यादा प्रतिशत है, कितना परसेंट है, लगभग 50-55% आपको रैयतवाड़ी दिखाई देता है, महलवाड़ी आपका उसके बाद सेकंड नंबर का कितना 30% लगभग दिखाई देता है या 29% दिखाई देता है कई कई रूपों में, या फिर अगर आप इस टाइप भूमि बंदोबस्त की बात करें तो लगभग 19%, ये भी बताया था, याद करके रखना पेपरों में सेम क्वेश्चन आते हैं। अगला देखो भारतीय स्वतंत्रता की घटना की बात कर रही, तो देखो ये मॉडर्न हिस्ट्री का डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल सी बात, अगर आपको सन याद है डेट भी याद करेंगे और सन याद है तो हो जाता है। अगर इसमें जाएंगे सबसे पहले क्या आया था, ग्रिच मिशन, ये आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड कौन सा आया था, वेवल आया था, और थर्ड क्या आया था, ये आया था, और फोर्थ क्या आया था, ये बस ये दो चीज थे आपस में, आराम से देखोगे तो पहला यहाँ तक इसमें सही आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बस्तिल का पतन कौन सी क्रांति से था, किसकी क्रांति है, फ्रांस की क्रांति से, याद है ये फ्रांस की क्रांति से है, इसको थोड़ा सा याद रखना है। अब फ्रांस वाले में मैंने पेपर में दिया था एक बार, अभी नए वालों को नहीं दिया तो पुराने वालों को पता है कि उसमें दे रखा, उसको काफी पूरा पढ़ा हुआ। और अब आता है परसों मैंने पूरी बेगा पढ़ाया था, याद है आपको, उससे पहले आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने कहा था गांधी जी ने यंग इंडिया पुस्तक में जो है पूली बेकार आंदोलन को क्या बताया है, रक्तहीन क्रांति। जब भी मैं रक्तहीन क्रांति की बात करता हूँ उस वक्त मैं ये बताता हूँ विश्व में किसे कहा जाता है रक्तहीन क्रांति, यानी लंदन जो इंग्लैंड का क्या हुआ राजशाही हटा वहाँ वो आ गया था संसद जो आपकी वहां बन जाती है, तो वो कौन सी सन में आई थी, तब मैं आपको सन अभी सब याद कराता, 1688 आपको याद रखना था। डायरेक्ट क्वेश्चन ये था, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार, बच्चे बोलते हैं सर ऐसे कैसे डेप्थ से हो रहा आपकी क्वेश्चन वहीं से आएगा, मैं कह रहा हूँ आप देखोगे पुराने पेपर उठा के देखो, ज्यादा पेपर नहीं हुए, अगर आप में पढ़ने बैठोगे करने बैठोगे तो आप आसानी से इसमें से लगभग लगभग कम से कम 40% तो डायरेक्ट क्वेश्चन है जिनके इन्होंने क्या है ऑप्शन चेंज नहीं कर रहे, तो थोड़ा ऐसे याद रख सकते हो। अगला, निम्नलिखित में कौन इटली के एकीकरण से योगदान नहीं है, जिसका किसका नहीं है, पढ़ा है किसने, इसका आंसर ए ही है, मेटल में भी जो है उससे रिलेटेड नहीं है, ये भी एक लेखक की है पर वहां के नहीं है, ये शायद अमेरिका की क्लियर नहीं हूं मैं, पर इसका आंसर यही है बेटर नहीं है, ये तीनों तो है उसमें, ठीक है। अगला, रोम नो वंश का संबंध किससे, किससे, रशिया, रशिया से नहीं, वो तो उसमें वैसे लगा रहा, रशिया से है, रशिया आंसर है क्लियर, इसका मुझे ध्यान नहीं है, इसका रशिया की आंसर होगा, चलो देख लेंगे एक बार राउंड फिगर, रशिया रशिया से। अगला, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शांति सम्मेलन कौन से स्थान पर हुआ था, हाँ ये होता पेरिस में, याद है ना आपका, ये आपका पेरिस में होता है ये शांति सम्मेलन, जो आपका प्रथम विश्व युद्ध होता है उसके तुरंत बाद ये देखने को मिलता है। वाटरलू का युद्ध,
देखो ये बार बार परेशान करते हैं ये युद्ध, इस बार में काफी एक्चुअल काफी चीजें पूछी थी, भले ही आपको आसान लगे लेकिन इतना आसान ये पेपर नहीं है, वो ऐसा लग रहा है कि जब आप पेपर देने के बाद इसे लेते हैं तो हर चीज थोड़ा आसान लगती है, तो ऐसा नहीं है, आप इसको पेपर की तरह देखिए। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर है 1815 को जो है वाटरलू का युद्ध हुआ था। ये आप सीधा याद कीजिए, ये आप अगर ऑनलाइन में भी बुक पढ़ो चाहे कोई भी बुक पढ़ो, सब पे ये वाला युद्ध लिखा है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? कब किया था? इसका आंसर है सी, 1739। इस वक्त क्या था आपका? अच्छा, जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था तो उस वक्त कौन था यहाँ का शासक, ये बताइए। नादिर शाह के टाइम मोहम्मद रंगीला था, अब्दाली के टाइम था मोहम्मद रंगीला, याद करो ये लिखा रखा है। इसका काम इसका मतलब आपको पढ़ना है, थोड़ा पढ़ लेना चाहिए इसके बारे में, इससे रिपीट होंगे क्वेश्चन, आज के पेपर में रिपीट है, देख लेना इसे, ठीक है ना, अच्छे से देखेंगे। अगला, निम्नलिखित में कौन सा शकलोत्तर पथ नाथ के नाम से, देखो ये क्वेश्चन आता है छोड़ने के लिए, ये क्वेश्चन सीधा छोड़ना होता है, अगर आपको क्लियर पता नहीं है तुक्का नहीं खेलते इसमें, लेकिन ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो सकता है, मैंने एक चीज कही होगी, अगर आपको जब मैं पढ़ने के लिए देखा मेरे पेपर में, मैंने कहा इतना पढ़ लोगे तो हो जाएगा, उसमें एक चीज थी हर्षवर्धन, याद है, मैंने कहा हर्षवर्धन जरूर पढ़ के जाना, और डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से पूछा गया, ये है हर्षवर्धन का नाम दिया गया है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद, नहीं तो चाहता लोग क्या करते हैं, या तो समुद्रगुप्त की तरफ जा रहे हैं या फिर आपके चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ जा रहे हैं, इन दो की तरफ नहीं जा रहे, ये याद नहीं, हर्षवर्धन का दूसरा नाम, ठीक है, ये किरण पब्लिकेशन की नॉर्मल बुक है, उसको भी लिखा है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। अगला, गौतमीपुत्र सतकर्णी, ये कितनी बार मैं वही पूछ चुका हूँ और ये नॉर्मल अब आपको याद ही हो चुका है, इसका आंसर है सातवाहन वंश से, ये क्वेश्चन रट देना भी ऐसा आए और उसके लिए फिर से आएगा, ये सातवाहन वंश परेशान करेगा। अगला क्वेश्चन, आपको बताना है कि ये सुमेलित नहीं है, तो लगभग सारे सुमेलित है, सिर्फ नहीं है सुमेलित, तो ये पुलिकेशन दूसरे वाला सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर नहीं है और सारे आंसर सही है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। अगला, आपको बताना पुष्यमित्र सुंग ने किसकी हत्या की, किसके बाद आया था ये, कौन से किसके बाद आया था, कौन से वंश का वृद्ध रथ, मौर्य का, याद है ना, ये अच्छे से पढ़ा रखा है और खुद मैंने अपने पेपर में 3 बार पूछ रखा है, तो ये आपका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो युद्ध का समय लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये तो आपने पढ़ी रखे हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर है चंद्रावर का, ठीक है ना, ये सही है, 1194 में होता है आपका चंद्रावर का। अगला आता, देखो अब ये दो ऐसी चीज आ गई, देखो कई बार मैं ऐसे क्वेश्चन अपने पेपर में देता हूँ जिसमें देखो बहुत सारे मैंने कहा स्टूडेंट सारे जितने स्टूडेंट पढ़ा रही है अपना कहते हैं हमने सिलेबस में पढ़ा है, देखो सिलेबस में तो आपकी बुक में भी लिखा है ना, मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूँ जो आपके पेपर में मैंने दिया, ठीक है ना, अगर आप इन दोनों को याद कर रहे होंगे, इस बार वाले आप में से बहुतों ने तो नहीं दिया हुआ पेपर, लेकिन बहुतों ने ये पेपर दिया जिसमें फेजेंडा पूछा था, सेम फेजेंडा क्या है, और उस वक्त मैंने आपको दिया था भारतीय कृषि भी आपको क्या ऑप्शन दिया था, आपको ये पढ़ना है, उस फेजेंडा वहां से उठा था, और इसका आंसर था जो कॉफी के बागान होते हैं, जो कॉफी के बागान होते हैं उनको कहा जाता है फेजेंडा, कर्नाटका में बहुत फेमस है ये नाम, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आपको याद में कॉफी के बागान है, यहाँ नहीं बोला जाता फेजेंडा की भारत का वर्ड है, पर ये वहां आपने पढ़ा था कृषि में, साउथ में ही आप यूज करते थे। अगला, डार्लिंग क्या है, डार्लिंग क्या है आपके, नदी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषता है, परसों ही वन वाला पार्ट भी आपको दिया था पढ़ने के लिए, आपने पढ़ा था और इसमें आंसर आप दे सकते हैं, इसका आंसर क्या है, क्या होगा, इसका आंसर है डी, ठीक है ना, साल भर वर्षा इसका आंसर नहीं है, ठीक है ना, इसका आंसर है डी, एक निश्चित आर्द्र और शुष्क काल हमेशा रहता है, ठीक है ना, और साल भर वर्षा का काम नहीं है, वर्षा वन का मतलब ये नहीं होता साल भर वर्षा, जब वर्षा का टाइम हो उसको काफी ज्यादा वर्षा हो, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अगला, चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है, डायरेक्ट आंसर है, इसका आंसर है बी, वांगो नदी जो है सबसे लंबी, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किरण क्या है, इसका आंसर, ये तो तुमको मैंने स्पेशल पेपर में दे रखा है, इसका आंसर है भूटान, पेपर में खुद मैं 3 बार ये पूछ चुका पुराने पेपर में, क्योंकि आपको पुराने रिपीट करो इसलिए आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर है भूटान को कहते हैं आपका लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। अगला, जापान का सुदूरवर्ती उत्तरी द्वीप में कौन सा है, ये थोड़ा सा होता है कई बार, अगर आपको क्लियर आता है 5-6 द्वीप में उनको पढ़ना होता है, इसका आंसर है आपका वेकेंडो, वेकेंडो, ठीक है ना। अगला है दक्षिणी गोलार्ध में वायु, देखो सेम क्वेश्चन आगे पेपर का, सुदूर का मतलब क्या, सबसे लास्ट सबसे उत्तरी कौन सा है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन तो मुझे लगता नहीं बताने के लिए, सेम पेपर वाला आ रखा है जो मैंने आपको पेपर में दिया था, ऑप्शन देखो सेम ऑप्शन वही है, ऑप्शन चेंज नहीं करें, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है पृथ्वी का घूर्णन, जो रोटेशन कर रहा है उसके हिसाब से क्या है, वायु आपका मैंने अभी पढ़ा हुआ और लेकिन पेपर में कवर कर चुका हूँ,
और आपने ज्यादा सही आंसर दिया इसका, ठीक है। अगर पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, ये है कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन। देखो अभी तो आपने क्वेश्चन देख लेने घर पे, नहीं तो अगर आप देखोगे कि थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग ये है कि आपने डिटेल नहीं पढ़ा होगा, इस वजह से अभी परसों मैं पढ़ा रहा था आपको ज्योग्राफी, तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर सौर परिवार वाला सोलर सिस्टम मत पढ़ाओ, पेज है सर वो जो चीन की रिवर था ना वो गलत है, सबसे लंबी नदी चाइना की अरे ज्ञान तेज चीन का शोक है, ठीक है ओके। इसे देख लेंगे क्लियर कर लेंगे, अगला ये देखेंगे। देखो मैंने कई बार बोल दिया कि सौर जो आपका सिस्टम है उससे आता है, देखो आगे ना पढ़ते कर रहे नहीं पढ़ाना उसे, क्या मैं जब स्टार्ट करता नहीं पढ़ाना, देखो आगे बिट्टू क्वेश्चन अभी उसका आंसर क्या देते, अभी तो आंसर देख लिया, नहीं तो क्या देते, ये शुक्र देते या मंगल देते, दोनों आसपास ही है, शुक्र है पता है आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते कि शुक्र यहाँ पे आपकी पृथ्वी है, ये शुक्र है और ये मंगल है, ऐसा है तो तब क्लियर नहीं हो पाता, तब आपको थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा और ऐसा, तो इसका आंसर है शुक्रवार, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा याद, अब लिखा है कि सबसे बड़ा पर्वत शिखर कौन सा है, इसका आंसर सी नहीं है, इसका आंसर है लोगन के ये वाला, कहाँ पड़ता है ये आपको देखना पड़ेगा, इसका मैंने डायरेक्ट सर्च किया था इसका आंसर, इसका लोगन की है सही आंसर, ठीक है ना। अगला विश्व की सर्वोच्च वाटरफॉल कौन सा, ये सबको ही पता है आपको कौन सा है, एंजल वाला है, ठीक है ना, कहाँ है एंजल, मैंने सुना गुड, ऐसे क्वेश्चन ना थोड़ा रट लिया करो पढ़ लिया करो, ये ना कुछ चीजें पेपर से होती है सॉल्व, कई बार आपकी नजर नहीं पड़ेगी, नहीं होता कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं आप नॉर्मली नहीं देखोगे। अगला क्वेश्चन, यूरोप में उत्तरी सागर का मत्स्य क्षेत्र जाना जाता है कौन सा, सिंपल सा है इसका आंसर क्या है, डी सही है, डॉगर किनारा जो है इसका फेमस है, आप कहाँ पड़ता है ये बताओ जरा कहाँ पड़ता है, ये आपका जो है जो आपका वो है इंग्लैंड है, इंग्लैंड के पास में यहाँ पे यही पे पड़ता है, इंग्लैंड में नीचे वाला इलाका है ना यहाँ पे है ये जगह, ठीक है। अगला देखो आप सांभर झील मत्स्य जहाँ मछलियां पकड़ी जा रही है, अगला सांभर झील डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आ चुका है, राजस्थान का आंसर चाहिए, गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है, ये चंबल परियोजना का, ठीक है ना, सी ये मैं दे चुका हूँ आपको पेपर, बहुत देशों को योजना नहीं थी उसमें आपने पढ़ा होगा, डायरेक्ट जब भी आप पढ़ोगे गांधी सागर जरूर पढ़ो, ठीक है। अगला निम्न में से कौन सी उपजाऊ, परसों ये क्वेश्चन आपको पेपर में, इसका आंसर क्या है जलोढ़ मिट्टी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, इसका आंसर क्या है पुदुचेरी। अगला बुलेट ट्रेन परियोजना कहां से कहां तक जा रही है, हाल ही में पहले ये आंसर है आपको मुंबई से अहमदाबाद, प्राचीन पर्वत श्रृंखला कई बार अरावली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्रेल जो तेल शोधन नहीं है कौन सा नहीं है, जमशेदपुर नहीं है, जमशेदपुर किस चीज के लिए फेमस है, स्टील के लिए, ठीक है ना। अगला आपको बताना था कि भारत की जनसंख्या क्या होता है, याद है लिखवा भी रखा है, आप नए बच्चों को नहीं लिखा पाया हूँ, पुराने को लिखा भी रखा है और आपको याद भी बोला था कि करना है, कितना इसका आंसर है 383, यहाँ पे 82 है, 383 है वैसे आंसर, और यहाँ पे उसकी तरफ जाना पड़ेगा 82 की तरफ आपको जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, कैमूर या कोमोर ये किस चीज के लिए फेमस है, ये या ऐसे क्वेश्चन देखो अगर आपको क्लियर पता है नीचे से ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं, ठीक है। अगर आपने सही से पढ़ा है इसका आंसर जो है सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है ना, सीमेंट उद्योग काफी बड़ा है, मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा इलाका है। सपुतारा पर्वत पर्यटन स्थल कहाँ है, ये कहाँ है, ये जो है आपका गुजरात में, इसका आंसर है गुजरात, ये गुजरात का एक घूमने की जगह है सपुतारा, ठीक है ना, आप इसे गूगल पर सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। अगला बांदीपुरा बाघ संरक्षित क्षेत्र कहाँ है, 10 बार तो ये क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूँ, पेपर में पूछ चुका हूँ, वैसे भी आपको कई बार पूछता हूँ, इसका आंसर है कर्नाटक, बांदीपुर में क्या मिलते हैं बाघ, ठीक है ना। अगला अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, आप लीगल ग्रॉसरी से कोशिश करेंगे हम इनको छोड़ देंगे, क्योंकि ये करके कोई फायदा नहीं, आपके पास कभी नहीं आने वाले, क्योंकि ज्यादा डीप वाले क्वेश्चन है और ये आपके काम के नहीं, कहीं भी पेपर में आपसे नहीं पूछे जाएंगे, वही पूछे जाएंगे या लीगल हिस्ट्री या लीगल ग्रॉसरी आएगी, ठीक है ना। तो अगर इसे देखेंगे भारत सरकार का नियम जो 1935 था किस पे आधारित था, ये आंसर है डी आपका बी और सी, यानी साइमन कमीशन ने जो अनुशंसाएं थी सिफारिश की थी और जो तीन गोल में सम्मेलन हुआ उससे मिलके ये आपका बनाया गया, ठीक है। अगर ये जीवाणु वाला आप देखोगे इसे आप छोड़ सकते हैं, आपके काम का नहीं, और ना हम इसे करने के उसमें, क्योंकि कहीं भी नहीं आसान काम का।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, मद्रास प्रेसिडेंसी को जो है दर्जा कब मिला था ये बता सकता आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो वैसे तो ये छोड़ देने चाहिए, क्योंकि ये इतना टफ क्वेश्चन अगर आपको याद है तभी करना है, ये टफ नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने सही करा होगा इसका आंसर। क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर होगा 86 में 80 ये वाला होना चाहिए, 65। लेकिन ये इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन किसी का मैं देख रहा था वो बता रहा कि इसमें आंसर गलत है, देखते हैं क्या हो सकता है। 60 आंसर तो ऐसा कुछ आना चाहिए था, लेकिन इसमें आंसर गलत है। तो मैं तो इसे देख नहीं पाया, अगर आपको याद हो तो पहला नगर निगम कहाँ बनाया गया था? मुंबई बनाया गया, मद्रास। मद्रास है, ये वहीं से उठा हुआ क्वेश्चन है डैड। उन्होंने क्या कर दिया, ये चेंज कर दिया, न्यायालय लिख दिया बस, और नहीं तो सेम है। सबसे पहले ये आपका मद्रास में ही बनता, तो ये आपका मद्रास से रिलेट करेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आप देख रहे हैं किस कानून में ये हो गया था कि नौकरियों में प्रतिबंध नहीं लगेगा, तो किसमें नहीं लगेगा नौकरियों में प्रतिबंध? मतलब भारतीय जो है आप जा सकते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसमें कोई बता सकता है? वैसे गुरु जी ने पढ़ा रखा होगा आपको। हाँ, इसका आंसर है चार्टर एक्ट 1833 में क्या इंडियन लोगों को भी जो है मौका मिल रहा था कि कलर और छोटे छोटे जो पद थे उसमें वो जा सकते थे। थोड़ा डीप है, इतना डीप आप नॉर्मली नहीं पढ़े, अगर आप लूसेंट पढ़ो तो लूसेंट भी ये नहीं था। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इसको, ऐसे क्वेश्चन को सीधा यहीं पे आप याद कर ले तो ज्यादा अच्छा है, कि जब भारतीय को जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरी करने का मौका मिला था तो 1833 में आया था चार्टर एक्ट। नहीं, इस पे तो हमने बहुत देर तक डिस्कशन किया था, तो आसान माना जाएगा। हाँ, चलो आप बच्चों का करना जो गलत दे रहे हो आप फिर उसमें चला गया, ऐसे जो हो जाता है। अगला है आप बता सकते हैं मध्य जो प्रांत और मध्य विधायिका शक्ति जो है केंद्र और प्रांत के बीच में किसमें हुई थी अलग अलग हुई थी? हाँ, किसमें किया गया था बता सकता कोई? किरण बताएगी। हाँ, इसका आंसर है 1919, ठीक है ना, ये सही आंसर। अगला पृथक निर्वाचन मंडल, ये तो भैया जिसको याद नहीं फिर भर पाने में डूब जाएगा, ये हमेशा का सदाबहार क्वेश्चन। अभी तक अगर वैसे नॉर्मल इंटेंसिटी पूछू उसकी तो करीब 100 से ज्यादा बार पूछा जा चुका क्वेश्चन होगा, बता सकता कोई कब आया था पृथक निर्वाचन मंडल का? 1909 में आया था, मॉर्ले जेम्स पोतरे, मॉर्ले मंडल में आया था, ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला बेवल योजना का घोषणा उद्देशित किससे उद्देशित थी? बेवल की योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ए ही होगा, ठीक है ना, ए ही से याद हो, बेवल भी यही लेके आया था सेम चीज, ठीक है। अगला 1 अगस्त 1672 की घोषणा पूर्णतः खत्म कर देती है किसे? ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको कि देखो सिंपल 1672 ले जाओ, किसको की थी खत्म? इसका आंसर पुर्तगाली की भी है, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है 1672 सही है। आगे देखते हैं मुगल बादशाह आलम, ये वैसे ड्रामाबाजी, ये बता सकता जितना आंसर है इसका? सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर था 26 लाख। 26 लाख आप दीवानी देने की बात हो गई थी, जब इसको दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता तो उसके बदले सालाना 26 लाख मिले थे किसको? मुगल बादशाह आलम। ये नोट्स में है, एग्जैक्टली नोट्स में लिखा हुआ है, ये नोट्स में क्लियर है हमारा 26 लाख फिक्स है इसका आंसर। देखो इतना डीप है ना, आपने पढ़ लिया इसलिए आसान लग सकता है आपको, जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना उनके लिए क्वेश्चन है आर्कापति कौन सी बुक से। अगला लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्यायिक योजना के लिए कोर्ट ऑफ सर्किट स्थापित किया था कब? इसका आंसर क्या है रूपम? इसका आंसर है 93, न्यायिक योजना 1793 में आपका ये आ गया था। अगला प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ था, किसके तहत हुआ था? तो सिंपल सा आंसर है क्या है 1833 में ही आ गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आरंभ में कहां उच्च न्यायालय कोर्ट 3 जगह खुले थे याद है, तो 3 जगह कौन कौन सी थी? मद्रास, मुंबई और कलकत्ता, बिल्कुल सही आंसर है। और देखो ये क्वेश्चन आ गया घूम फिर के, तो कई बार बताया भी आपको मेरे पेपर में, कई बार आपको इसका आंसर क्या है? बैंगलोर।
ठीक है ना, मैकॉले जो है प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष, विधि बना था लॉ कमीशन का, जो पहला अध्यक्ष बना था वो कौन था, मैकॉले था, ठीक है, तो इतना याद रखना होता है। अगला आता है विधि, द्वितीय विधि आयोग का अधिनियम किस तहत, किसके तहत आया था, इसका आंसर इसका आंसर सही है डी, 1853 के तहत ये वाला अधिनियम आया था लॉ का, इसमें आपका ये बनता है सेकंड जो लॉ कमीशन होता है ये आता है, ठीक है। अगला, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण, संविधान निर्मात्री सभा का गठन, ये तो तुक्का वाला क्वेश्चन है, सबको पता है, सुवर्ण क्वेश्चन बोलते हैं 1946। अगला क्वेश्चन, निम्न में से दोहरी शासन पद्धति को समाप्त करने की सिफारिश किसने करी थी, सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, आपको सोचना नहीं, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ते से, इसका आंसर साइमन कमीशन ने कल्पना कर, साइमन कमीशन ने कहा था इसे खत्म करो, ठीक है ना, उसकी सिफारिश भी ये भी था। अगला, अब ये चीजें हम छोड़ सकते हैं, ये सारी चीजें ऑडी अल्टरिम वार्टेम है ना, ये आपके लीगल ग्लोसरी, इनको हम सब छोड़ सकते हैं, इसमें एक है जो आपके काम का था, चलो पहले इसे देख ले, भारत का संविधान का सबसे पहला संशोधन आपको पढ़ने के लिए भी दिया था और आपने पढ़ा, पहला कौन सा होता, कब होता, इसका आंसर होता 51 में होता, 52 में होता, इसका आंसर है 1952, जो प्रथम क्या होता है जिसमें नौवीं अनुसूची की बात होती है, 52 क्लियर, देख लो एक बार क्लियर है, 51 ही है मेरे ख्याल से, 51 51 है जो नौवीं अनुसूची वाला, चलो ठीक है, चल लेते हैं इसकी तरफ 1991, एक बार देख लेते हैं, 51 इस मामले में पता नहीं करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में रहते हैं, तो चलो देख लेते हैं। अगला, ये तो देखो, ये भी आपका क्या है, लीगल ग्लॉसरी का ही पार्ट है, हैबियस कॉर्पस पर आपने पढ़ा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, किससे संबंधित है, एफ कहां से याद करें, यानी व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना, ठीक है, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना किससे संबंधित है, दैट आंसर है ए, पर्यावरण से रिलेटेड है ना ये सारा, बस ये आपको, और अगर कुछ और आया तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन उससे और ऑप्शन देते हो सारे एलिमिनेट हो रहे डायरेक्ट। अगला, विधि का शासन आर्टिकल 14 क्या कहता है, इनमें से क्या, पहले आंसर सही है, विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। अगला, किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को अनाधिकृत प्रवेश करना कहलाता है, हिंदी का क्वेश्चन है, भले ये हिंदी का यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे लीगल क्वेश्चन है और ये हिंदी में भी आता है, इसका आंसर है सही, अतिचारी कहते हैं, ठीक है ना। अगला, मूल अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा अगर आप थोड़ा सा ये क्वेश्चन ध्यान से देख रहे हो, आप में से सबने ये पेपर दिया हो मेरा वाला, तो उसमें ये क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूँ, अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दें तो ये ऑप्शन भी सेम है, देखो सारी चीज डिग्री आ रहा है, डिग्री याचिका अध्यादेश सेम चीज आ रहा है, इसका क्या होगा, याचिका को क्या बोलते हैं, याचिका को रिट बोलते हैं, इसका आंसर है आपका 12 निर्गत किया जाता है, मूल अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा निर्गत किया जाता है, इसका आंसर है डी, इनमें से कौन है, रिट होती है, इनमें रिट है ही नहीं ऑप्शन, याचिका की तरफ चले गए होंगे, अच्छा इंग्लिश में रिट था और तब ये सही होगा, यहाँ पे इन्होंने याचिका गलत शब्द लिखा है, रिट को कुछ और कहते हैं, मैंने लिखवा रखा, मैं भूल गया, मेरे को याद है, मैंने कवर कराई इसे, याचिका तो प्रिटेंशन होती है, हाँ कुछ ऐसा बताया होगा मैंने लिखवा रखा अपने पेपर में, पर याचिका मतलब तो प्रिटेंशन होता है हिंदी के शब्द को, इसलिए मैंने कहा था कई बार इंग्लिश भी जरूर पढ़ना, यहाँ पे रिट इसका आंसर दे रहा था, तो यहाँ पे रिट सही होगा, याचिका शब्द गलत दिखा है, वो हिंदी गलत कर दूँ, अब आप कर रहा था कि अगर गलत हो रहा है इंग्लिश मान्य होगा, इंग्लिश में भी देखना भाई, हाँ वहाँ पे लिखा रहता है, अगर पेपर में कोई हिंदी में कोई गलती होती है ना, तो मान्य भाषा इंग्लिश मान्य जाएगी, वहाँ पे आपको इंग्लिश में जरूर देखना है, कई बार होता है हिंदी में, अगर मैं हिंदी में होता पेपर तो इसका आंसर था इंग्लिश से कोई नहीं, क्योंकि याचिका नहीं होता, रिट अलग ही होता, रिट को रिट भी कहते हैं, अगला डिग्री क्या होता, डिग्री एक प्रकार का आदेश होता है कुछ अलग टाइप का, क्या होता था कि यार कॉर्पोरेट में ज्यादा यूज होता है, कॉर्पोरेट वर्ड में पर मैंने रखा अभी याद किया, चलो बता दूंगा, भारतीय संविधान का कौन मूल अधिकार कौन सा करता है, भाग बी, भाग बी, राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा मनाया जाता है, ये तो सिंपल सा 26 नवंबर को मनाया जाता है, अच्छा 26 नवंबर को, अच्छा बाल श्रम निषेध अधिनियम बी नियम, ठीक है ना, रेगुलेशन निषेध आपका प्रोहिबिशन के कुछ और आपका विनियम जो कहते हैं, इसका अधिनियम कब आया था ये बता सकता है कोई, इसका आंसर है 1987, ये आपका 1987 में आया, ठीक है ना। अगला, किसी न्यायालय के निर्णय और आदेश आदि की अवज्ञा कहलाता है, सिंपल आंसर है बी, अवमानना होती है। बराई मंदिर, अब आ गया भैया
उत्तराखंड उत्तराखंड जो इसमें एक आंसर नहीं दे पाएगा सर, यहाँ पढ़ नहीं रहा है और उत्तराखंड के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने सारे पेपर पूछा, एक क्वेश्चन बात नहीं। देखो जरा बराई मंदिर देवी चुरा का कल ही पूछा था, कल परसों में पेपर में बराई मंदिर किया था, देखो वही क्वेश्चन आ गया। कहाँ है? रक्षाबंधन के दिन वहाँ क्या आसान मेला पत्थरों वाला मेला भी यही है, सेम नाम है देवी चुरा बराई, आपका रक्षाबंधन के दिन जो है मनाया जाता। अगला वीर चंद्र सिंह गढ़वाली 10 बार रखा चुका हूँ, उसका अंतर क्या है 1930। ठीक है ना। अगला उत्तराखंड में औसत ज्योत का आकार क्या है, ये थोड़ा सा आपको नहीं पता है, परीक्षावाणी में ये भी है, इसका आंसर है डी 0.89%। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, हेक्टेयर पूरा कितना ज्योत प्रतिशत होता है। अगला भारत में जनसंख्या 2011 के अंदर नकारात्मक, परसों ही क्वेश्चन पूछा है, परसों ही क्वेश्चन पूछा है, इसमें देखो अल्मोड़ा सब जगह है, अब कंफ्यूजन हो गया कि अल्मोड़ा सब जगह है, देखो 2-3 जगह तो अल्मोड़ा है, अब थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ गया है, तो ये जो है इसका आंसर है गढ़वाल और अल्मोड़ा, पौड़ी की बात हो रही है, गढ़वाल में पौड़ी, तो पौड़ी में नेगेटिव ही हुआ है, ठीक है, पौड़ी यहाँ पौड़ी में हुआ है और कुमाऊं में और पूरे उत्तराखंड सबसे हाईएस्ट भी अल्मोड़ा ही, यानी नेगेटिव यानी क्या हुआ, यहाँ जनसंख्या घटी है बढ़ी नहीं है, तो ये आप याद रखना पौड़ी और अल्मोड़ा, सी इसका आंसर परफेक्ट पेपर में दिया है मैंने। अगला अब ये भी देखो, ये भी पेपर में दिया गया सेम क्वेश्चन, ऑप्शन भी सेम ही दे रखे हैं, ठीक है, इसका आंसर है कोटद्वार, जो 8वां नगर निगम बना है, कौन सा बना है कोटद्वार। अगला देखो देखो आप इस क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो ये भी सेम पेपर में दिया हुआ क्वेश्चन है, देख लो एक क्वेश्चन उत्तराखंड का एक क्वेश्चन बता दो जो बाहर फैला, इस बार क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर क्या था एचजी वोल्टन, ठीक है, इसका आंसर एचजी वोल्टन लिखी ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर। अगला अच्छा अगर यहाँ पे हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर होता है इसलिए कंफ्यूज हो गया मतलब इसने करा एडमिशन इसके वजह से, गजेटियर पढ़ा उसे गजेटियर नॉर्मली आता है, यहाँ वो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर है और ये है ब्रिटिश गढ़वाल का गजेटियर एच जी वोल्टन। अगला देखेंगे रामनगर विधानसभा, अरे यार रामनगर 10 बार पूछ चुके हैं, जहाँ हमारा उत्तराखंड विद्यालय परिषद भी है, यानी जो बोर्ड का है वो कहाँ है नैनीताल में। अगला सुदूरवर्ती पूर्वी जिला, ये सबसे तुच्छा क्वेश्चन जिसे कहते हैं, ये आप पुश करने के लिए क्या आंसर है डी पिथौरागढ़, वहां क्या लिख रहा है उद्धम सिंह नगर लिख रहा है, गलत गलत। अच्छा क्यों, अच्छा पता है आपको उद्धम सिंह नगर हो सकता था, उद्धम सिंह नगर भी जो है पूर्ववर्ती हो सकता है, लेकिन पिथौरागढ़ काफी मार्ग आगे निकल जाता है जो उसकी नॉक नहीं है वाली, इसके वजह से आगे निकल जाता है, नहीं तो आप इधर से लिखो तो उद्धम सिंह नगर ही लास्ट लिखा जाता, लेकिन इस ये जो लास्ट में उत्तराखंड की नाक है इसके वजह से आगे निकल जाता है पिथौरागढ़, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो आगे क्वेश्चन कौरव वंश याद है, लेकिन यहाँ पे कौरव वंश से रिलेटेड करेगा, यहाँ पे सारी पद्धति का आ रहा है, यहाँ पे सार लिखा है सारी पद्धति से होना चाहिए, ठीक है ना, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है फल चक्र प्रणाली से, यानी बार बार आपकी फसल जो चेंज होती है ना उसे सार प्रणाली या सारी प्रणाली बोलते हैं, ये वैसे मैंने अभी आपको नहीं कराया है लेकिन कृषि में मैंने शुरू में लिखवा रखा है, जिन्होंने शुरुआत की क्लास पढ़ी। अगला आप देखो ये क्वेश्चन देखो, जिस बच्चे ने ये कराई है तो पागल रहा हो कोई, गोरखा में कुमाऊं का आक्रमण 1803 लगा रखा है, इससे तो समझ नहीं, इसका सीधा क्या आपका 1790 था पहला लास्ट डी आंसर, 1790 में किसको महेंद्र चंद को जो है गोरखाओं ने हरा दिया था, कौन सा युद्ध था वाल बाग का युद्ध, वाल बाग कहाँ है अल्मोड़ा में, उस युद्ध में जो है आपका क्या है हार गया था, हार गए थे आपके चंद्रवंश के यानी महेंद्र चंद और भाग के कहा चले गए थे तराई क्षेत्र में कहीं चले गए, ठीक है ना, तो वही वाला गोरखा युद्ध है। अगला निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है, सही उत्तर है आपको बताना कौन सा सही है, कौन सा सही है, अच्छा अच्छा आप मिलाना है सतोपंत सिंपल सी बात है अलग धंधा निकलेगी, ठीक है ना, मिलम मिलम से निकलती है गौरी गंगा खतली मिलंगना चौराबाड़ी बंदारी, केवल आपको मिलम में थोड़ा कंफ्यूजन होता है लेकिन तीन पता था सब अपना भी आंसर आ गया, ठीक है ना, ये थोड़ा सा याद रखना है कि सतोपंत आपका अगर देखो कहाँ है चमोली में, आपका मिलम कहाँ है आपका पिथौरागढ़ में, खतली कहाँ है टिहरी में, चौराबाड़ी कहाँ है रुद्रप्रयाग में, चौराबाड़ी केदार नाम पर है ना, सारे खतली को मैंने बताया जहाँ से बिलंगना नदी निकलती है, अब खतली में यात्रा भी होती है याद है ना, पंचनाम वाली यात्रा पांचवा धाम यात्रा वो भी खतली की वाली यात्रा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सुमेलित करना था, इसमें भी सेम चीज है, बता सकता है कोई क्या क्या आंसर होगा, सेंचुरी फॉल्स एंड पेपर बोर्ड कहाँ है बिल्कुल याद ना, उत्तराखंड की सबसे बड़ी पेपर मिल वो भी कहाँ है यही तो है वो सेंचुरी वाली, ये कहाँ है सेंचुरी का वो पेपर आप प्रोड्यूस करते हो ना व्हाइट पेपर वो यही बनता है पूरे इंडिया में यहीं से जाता है। अगला देखो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड ये कहाँ है रानीपुर मोड़, ये भी रानीपुर में ही है सही है, रेल की बात कर रहा है ठीक है ना, रेल वही है हिंदुस्तान मशीन HMT रानीबाग से, यानी सारे सही मिल रखे हैं ठीक है, तो ये सब सही मिले हुए तो आपको 1234 जाके आंसर होगा वो सही आंसर होगा, यानी डी में इसका आंसर सही होगा। अगला देखो
आ गया क्वेश्चन, डिट्टू ऐसे ही कराया है, सब चीज ऐसी देख रहा है, परीक्षा वाणी का डायरेक्ट एमसीक्यूज कहा था कि लास्ट बुक्स का एमसीक्यूज पढ़ के जाएं, और एमसीक्यूज से डायरेक्ट क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है ए 1767 में जो है आपका सर्वे ऑफ इंडिया आपका कहां था, ठीक है। अगला उत्तराखंड में असिंचित उपराऊ भूमि कहलाती है, परसों इनको आया था आपको याद हो बता सकते हैं इसका इसका आंसर क्या होगा, असिंचित भूमि है तो इसका होगा उपराऊ भयम होगा, तलाऊ अब्बल नहीं, अब्बल हमेशा सिंचित होती है, समझ रहे हो, जहां पे एक चीज ध्यान देने वाली है जहां पे अब्बल आए ना तो अब्बल देखो उपराऊ है क्योंकि आपका क्या उपजाऊ है, उपजाऊ का मतलब उपराऊ सही निकल गया, लेकिन क्या असिंचित है तो देखो अब्बल और द्वयम में अंतर था, तो अब्बल होता है जिसमें सिंचाई की सारी व्यवस्थाएं होती है और द्वयम जिसमें सिंचाई की कम व्यवस्थाएं होती है, इसका आंसर क्या है बी। अगला राज्य में कितने अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने जिले करते हैं, ये भी कितनी बार पूछो, तीन है पता ही सिंपल सा है, कौन कौन से, पिथौरागढ़ चमोली और इंटरनेशनल ऊपर की बात कर रहे थे ना, ऊपर की पांच है टोटल पांच, अगर चंपावत में जो है उधम सिंह नगर वो पिथौरागढ़ खत्म हुआ, चंपावत शुरू हुआ और उसके बाद क्या है उधम सिंह नगर का, तीन तो यही हो गए और दो इधर हो गए उत्तरकाशी और चमोली पांच। अगला उत्तराखंड में कोटद्वार रामनगर टनकपुर पेटी कौन से उसमें आ रही, कोटद्वार रामनगर और टनकपुर पेटी ये किसमें आएगी आपकी, ये आएगा बी उपोषण, यानी ना पूरी तरह से गर्म और ना पूरी तरह से ठंडे, तो हल्का सा गर्म में भी थोड़ा कम गर्म था, लेकिन ये सारे तराई वाले सब कुपोषण में आते हैं, इसका मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि तराई वाले अगर याद नहीं सब तराई वाले क्षेत्र के वो है टनकपुर से लेकर ये सारे। अगला अब ये तो आपको सबको पता है, आपको क्षेत्रफल के हिसाब से आरोही मतलब बढ़ता होगा कम से ज्यादा की तरफ जानता है, कौन सा सबसे कम किसका है चंपावत, फिर आपका रुद्रप्रयाग और बार डी आंसर सही है इसका, ठीक है ना, सबसे कम चंपावत रुद्रप्रयाग बागेश्वर। अगला टीवी रियासत नरेश भवानी साहब के द्वारा जंगलों के कटन का ठेका किसे दिया गया था, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको कवर नहीं करवा पाया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है इसे यहीं पे रट लेना क्योंकि जंगलों से मैंने बार बार जंगलों का बताया, कुमाऊं परिषद का भी था कि जंगल जंगलात कानून के बात करता है, भवानी करता है, सुदर्शन शाह करता है, नरेंद्र शाह के वक्त ही बहुत बड़ा होता है, इसका आंसर है निकोलसन, निकोलसन को जो है पूरा ठेका मिलता है, और जिससे याद होगा इससे एक प्रथा भी जुड़ी हुई है जिसको हम बोलते हैं, जो इससे प्रथा हमको देखने को मिलती है तो उसे बोलते हैं एक सेकंड याद नहीं आ रहा, इसमें क्या करते थे कि गांव के लोगों को ये क्या करते थे अंग्रेज लोग गांव के लोगों को ना दिहाड़ी पे रखते थे, इनका काम होता था कि आपका पेड़ काटना उनको पूरा छील छुल के जो था ना गोला बना के जिसमें तो उनको क्या है नदियों में डाल देते और उनको पकड़ा जाता था आपके ऋषिकेश या हरिद्वार में उनको नदियों में पकड़ के फिर ट्रेन पे ला दिया जाता, क्योंकि ट्रेन तो यही थी तो ट्रेन पे यहाँ चला जाता था, तो यही भी प्रथा है थोड़ा याद आएगा मैं जरूर बताऊंगा आपको, तो ये याद रख लेगा, इसका आंसर है निकोलसन को दिया गया था ये ठेका। अगर कत्यूरी नरेशों की राजधानी सिंपल सा आप जिसने नहीं भी पढ़ा हो तो कल रास्ता है काट के आंसर है सी। तीन रियासत का विलय याद है 1 अगस्त 1949 ठीक है। अगला लघु हिमालय देखो आगे डिटो क्वेश्चन दोबारा रिपीट, उत्तराखंड का एक क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मेरे पेपर से बाहर निकला जो सेम अगर ऑप्शन देखो तो ऑप्शन भी सेम है, इसका आंसर क्या होगा लघु हिमालय और शिवालय के बीच में क्या है आपका MBT, MBT मतलब होता है आपका मेन बाउंड्री थ्रस्ट, अब बाउंड्री का मतलब होता है आपका सीमा, तो यहाँ पे क्या है मुख्य सीमा भ्रंश, इसका आंसर इंग्लिश में पढ़ सकते थे, और ऐसे ही अगर आप करेंगे ये तो आपका लघु यानी एक ग्रेटर हिमालय आपका लघु हिमालय और शिवालिक तो इन दो के बीच में तो MBT हो गया और जो आपका ग्रेटर उसके बीच में वो है MCT सेंट्रल केंद्रीय भ्रंश, ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं कुमाऊं में चंद्रवंश का प्रथम शासक, अरे ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है आंसर क्या है क्या आंसर है सोमचंद। अगला पंवार वंश का संस्थापक कौन है कनकपाल सी, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है 189 ये है, ठीक है ना, ये घनत्व है आपका। अगला आगे मेरा फेवरेट क्वेश्चन अल्मोड़ा का जिरोली, देखो ये तीन बार मैं खुद ही पूछ चुका हूँ आपका, इसका आंसर क्या है देखो इसका आंसर यहाँ पे कंफ्यूजन है थोड़ा सा, अब देखो ये आयोजन से गलत पूछ लिया क्वेश्चन क्योंकि ये ना तांबे के लिए भी फेमस है और आपका मैरी साइड के लिए भी फेमस है, अब यहाँ पे देखना पड़ेगा आयोग किसकी तरफ जाएगा, जहां तक मुझे ध्यान है आयोग को पता किसकी तरफ जाना चाहिए तांबे की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मैरी साइड का खनन तब हम देखते हैं जब इसके साथ जरूरी साथ चांद डाक भी आएगा,
जो है ना चांदा और झिरोली जब एक साथ आते हैं तो मैंग साइड कर जाते हैं तब ये मतलब फिजमेगोसाइट कम मात्रा में पंचमणी में ही लिखा है कि तांबे के लिए फेमस है बाद में दोनों का नाम से साथ लिखा है तब लिखा है मैग्नेसाइट और दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है यहाँ ये तांबे की तरफ ही सही है। अगला सर्वाधिक प्राचीनतम जनजातीय जाति कौन सी है सोचने की गलत नहीं है बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं किरात किरात नहीं कोल है बताया ना कोल मुंड और उसके बाद किरात तब आते किरात तो यहाँ पे कोल की तरफ हो जाएगा ऊपर 101% क्योंकि ये जो कोल है ये किसमें लिखा है ये आपका अजय रावत की बुक जो हमारे इतिहासकार है अजय रावत उसमें क्लियर कर रखा है कोल है और इसके लिए हमने क्या बताया था एक बुक आपको बताई थी जिसका कोल या कबीलों का इतिहास उस बुक में भी कोल का ही सबसे पहले जिक्र किया गया कोल वही जो कहां से आई है मुंबई के कोलावा वही वाला जो मुंबई का है। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही आ रहा है। अगला देखो उत्तराखंड विधानसभा के मनोनीत सदस्य अब ये क्वेश्चन किसी काम का तो नहीं है पर यहाँ पूछा गया था तो एंग्लो इंडियन इसका आंसर सही था। अब एंग्लो इंडियन ये तो पेपर से पहले हट गया था ना हाँ ये पेपर से पहले हट गया था तो इसमें और ऑप्शन तो है ही कोई गलत सारे गलत है तो अभी इसी की तरफ जाएंगे इसमें पुराना कोई क्वेश्चन होता है आगे वाला थोड़ी पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन उसी डाल गया उसमें यहाँ पर थोड़ा गलती कर गए अब एंग्लो इंडियन नहीं आएगा क्यों संविधान संशोधन 104 उसमें हटा दिया गया। अगला उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ सिंपल सी बात है सारे अगस्त में सारे काम है तो इसका आंसर क्या है 1 अगस्त 2000 को ये आपका पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में पास हुआ पास ही हो गया था ठीक है ना ये पारित वहां रखा जाता है उसी दिन पास हो जाता है ठीक है तो ये थोड़ा याद रखेंगे। अगला राज्य की घोषणा के वक्त प्रधानमंत्री कौन था 1995 कौन था आपका HDA गौड़ा ठीक है ना ए आंसर। अल्मोड़ा में बीज देखो आ गया बीज बचाओ और तो चीख चीख के मर गया था ना जब बोला कि दो आंदोलन याद करने हैं एक आपको अपने गांव बचाओ आंदोलन ये गांव बचाओ आंदोलन डॉक्टर अनिल जोशी जिसको पद्म भूषण मिला है और दूसरा ये आपका बीज बचाओ आंदोलन जिसके प्रणेता है विजय जरथानी विजय जरथानी कहा से टिहरी गढ़वा से तो टिहरी में चला है आपका ये आंदोलन। आप थोड़ा ध्यान दे रहे हो टिहरी की तरफ आज काफी ज्यादा जा रहा है ऐसा तो नहीं आयोग टिहरी वाले बैठे हो सकता है विचार पर कुछ कह नहीं सकता हूँ लेकिन मैं देख रहा हूँ कई महीनों से जितने पेपर हो रहे टिहरी के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं तो मैं भी कवर कर रहा हूँ ऐसा नहीं है मैं उनसे भी आगे चल रहा हूँ। अगला इसने कहा था कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है आप इसके लिए चाहे आप लूसेंट की नॉर्मल बुक भी पढ़ रहे हो उसमें एक जरूर एक पेज स्पेशली है इसके लिए जिसमें सारा लिखा किसने क्या कहा इसका आंसर क्या है आइवर जेनिंग्स ने कहा था ये भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है। अगला मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था इसका आंसर है सरदार पटेल को ही चुना गया था इसका आंसर ठीक है ना। अगला आप देखोगे किसने किसकी सुझाव पे जो है नीति निदेशक DPSP को जोड़ा गया था तो किसके सुझाव पे इसका आंसर है KM मुंत्री इसीलिए कहा था कि आपको क्या है DPSP को जोड़ना चाहिए ये क्लियर आंसर है लक्ष्मीकांत पे भी डायरेक्ट लिखे हैं तो सोचने की जरूरत नहीं पे। अगला क्वेश्चन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे ये जिसने भी वन लाइनर की 10 रुपए वाली बुक भरी थी उसमें भी इसका आंसर है सुकुमार सैन बी आंसर सही। अगला देखेंगे यहाँ पे लिखा है प्रधानमंत्री कार्यालय को विभाग का दर्जा कब मिला था इसका आंसर है बी 1961 में ही इसको है डिपार्टमेंट आपका जो PMO ऑफिस है ना उसको दर्जा 1961 में मिला था कि ऑफिस होना चाहिए बस। अगला आ गया परसों धामी जी ने वो क्या था भले इन्होंने पहले पूछ लिया है पर धामी जी ने परसों क्या था आपको बताना था सर परसों चीख चीख के चलाया था डिटेल बता देते इसका आंसर है Article 44 यानी जो आपका वो बन रहा है ना समान नागरिक संहिता ये क्वेश्चन ये हो सके उत्तराखंड बन जाए और ये क्वेश्चन अभी मान लीजिए चलो अगले 2 साल तक काम कर रहे तो इसके अंदर से भी पूछ सकता है कुछ और से। अगला भारतीय अनुच्छेद में न्याय पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा है सिंपल सा आर्टिकल 13 में ये बात करता है सबसे पहले कि आपको क्या होना चाहिए न्यायालय जो है आपका न्यायिक समीक्षा कर सकता है यानी रिव्यू कर सकता है। अगला ग्राम सभा देखो कहा था आपका पंचायती राज से 2 क्वेश्चन आएंगे और ये आर्टिकल वाला क्वेश्चन दोबारा परेशान करेगा आगे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर था इसका ए इसमें सबसे पहले बी में ही तो बात करता है कि ग्राम सभा क्या होती ग्राम सभा क्या है यानी आपके जो नामक क्या बोलते हैं जो आपका मतदाता नहीं होता मतदाता वोटर आईडी जो होती है जिनका भी 18 साल हो चुका है वोटर आईडी बन चुकी है उन सबकी संख्या जो है आपकी ग्राम सभा के साथ ठीक है इतना मतलब वैसे मताधिकार वाले लोग जो है। अगला प्रश्नकाल संसद के सदन की कार्यवाही 10 बार क्वेश्चन आ चुका है शून्यकाल से कहते हैं उससे पहले क्या शून्यकाल होता है 0 आवर
ठीक है। अगला सर्वोच्च न्यायालय को जल विवाद इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट होता है उसके मामले की बात करता है कौन सा अनुच्छेद, इसका आंसर है बी अनुच्छेद 262 याद है। और उसके बाद क्या है ऐसे आयोग परिषद बनाने की बात भी उसके आगे के उसमें करता है 263 में। अरे लोक अदालतों की संवैधानिक संशोधन पर वैधानिक मान्यता की गई है, मैंने ये क्वेश्चन करा था तो मैंने 43 करा था, इसका आंसर ये नहीं, इसका आंसर ही नहीं, इसका आंसर है 42 यानी 42वां संविधान संशोधन है उसमें बात की गई है। ये क्वेश्चन पूरा गलत होगा, इकट्ठे गए क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन, उसमें जो है लोक अदालत है वो संवैधानिक मान्यता की बात की गई, ठीक है ना, ये आपके हाथ में। अगला संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल में उसके विनिर्णय की सूचना प्राप्त कर, सिंपल सा मतलब है राज्यपाल ना मंत्रिमंडल से ही पूछ सकता है कि जो आपने काम किए हैं जो आप मंत्रिमंडल बनाओ उसकी सूचना मुझे दो, तो कौन सा आर्टिकल में, सिंपल सी बात है, इसका आंसर है आर्टिकल बी 167, ये तो पढ़ा रखा है, ये तो आपने पढ़ लिया हुआ, उससे रटना भाई। अगला क्वेश्चन अंतर राज्य परिषद 1990 यानी आपका अंतर राज्य इंटर स्टेट काउंसिल की बात कर रहा है, ये कौन से आयोग ने भी दिए बात, तो आपका ये क्वेश्चन अभी पिछले चार पेपर हो चुका है, चार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, इसका आंसर क्या है सी सरकारी आयोग कहता है। और जब भी कभी सरकारी आयोग आए तो आपको डेट बताना चाहिए किससे, जब क्या होता है दो राज्यों के बीच में विवाद हो या कुछ हो तो उसके लिए काउंसिल बनाएंगे जिसका काम है ऐसा कुछ हो, विवाद है बहुत सारी चीजें जो दो राज्यों को काम करेगा, इसके लिए अंतर राज्य परिषद, इसमें सारे स्टेट क्या होते हैं सब स्टेट के शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री इसमें होंगे। अगला विदेशियों के लिए भारतीय संविधान में प्रदान किया गया कौन सा अधिकार, सारे किए गए, ठीक है ना, इसका आंसर है डी। अगला संविधान के अनुसार राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को कोई स्थगित या निरस्त, उच्च सदन कौन सा है राज्यसभा, ये कह रहा है कि राज्यसभा को कौन बना सकता है और उसे खत्म कर सकता है, उससे कौन कर सकता है कि कोई राज्य ने राज्य विधान सभा कर दिया, इसका आंसर संसद है, सिर्फ संसद ही काम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये जो उच्च सदन है उच्च सदन हमेशा कैसा स्थायी सदन माना जाता है, वो कभी आपका क्या खत्म नहीं होता है, लेकिन उसे खत्म हो लेकर नहीं आपका संसद करेगा और उसकी भी प्रक्रिया है काफी लंबी, ठीक है ना। आगे देखते हैं निम्न में से भारतीय संविधान राष्ट्रपति पर लगाए गए महाअभियोग की बात कर रहा है कौन सा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है सबने रटा होता है 61 इसका सही आंसर है, इसमें महाअभियोग की बात कर रहा है कि राष्ट्रपति को कैसे हटाते हैं, ठीक है ना, ये वाली बात। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किस विषय से, डायरेक्ट वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर है वित्त आयोग, कई बार नहीं दे चुका इस क्वेश्चन को, सेम है आर्टिकल 280 वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की बात करता है। अब आता है दल बदल जो आपका नियम आया था अधिनियम एक्ट आया था, ये कौन से अनुसूची में आया था, ठीक है ना, ये 10वीं अनुसूची में आया था। अगर मैं कहूँगी ये कौन सा संविधान संशोधन के तहत आया था, ये किसी को याद है, 52 या 53 52 किसके टाइम आया था, ये राजीव गांधी, राजीव ये थोड़ा याद रखिए। अगला भारत की संचित निधि का संरक्षण कौन करता है, इसका जो गार्डियन कौन होता है, सिंपल सी बात है दो चीज आती है, एक आपकी संचित निधि और एक होती है आकस्मिक निधि, संचित निधि आपका कंसोलिडेटेड ऑफ फंड जो होता है आपका, और दूसरा क्या होता है कंटेंजेंसी फंड, ठीक है ना। तो इसका जो संचित निधि का है वो है संसद, क्योंकि यार है ना ये संसद के बिना वहां आपका आपको क्या है जो सभाएं हैं उनमें पास करवाना होगा तब जाके निकलेगा, और अगर मैं कहूंगा कि आकस्मिक निधि इसका आंसर होता तब क्या होगा, तब आपका राष्ट्रपति का आंसर होता है, ठीक है ना। तो ये यार भले पास उसे भी करना पड़ता है लेकिन कब, बाद में, और फिक्स राशि कितनी 500 करोड़ आपकी, ये सब रटवा रखा है अच्छे से रट दो भैया पी लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आना है। अगला आता है अनुमान समिति, तो इसका कार्यकाल कितना होता है, ये आपने पढ़ा है, इसका आंसर है एक वर्ष के लिए बनाई जाती है अनुमान एस्टिमेट कमेटी, ठीक है ना। तो ये आपकी एक वर्ष के लिए बनाई जाती है। अगला आपको बताना था उपाधियों का अनुमूलन, डायरेक्ट क्वेश्चन दोबारा आ गया, तो देख लो क्वेश्चन इसका आंसर क्या है, आर्टिकल 18 ये अच्छा अनुच्छेद 18 जो है ये आपकी उपाधियों का, यानी आप अपने नाम के आगे उपाधि जब पहनी होती राय बहादुर राजा ये जितनी भी उपाधियां होती आप नहीं लगा सकते, सिर्फ इससे छूट मिली है शिक्षा की, जैसे डॉक्टर कहते हैं ना डॉक्टर की उपाधि जो आपकी शिक्षा से संबंधित है उसके छूट है। और एक क्वेश्चन और बन सकता है जो आपके पास आ सकता है कि भारत में दिए जाने वाले नागरिक सम्मान पद्म भूषण पद्म विभूषण और पद्म श्री ये कौन से आर्टिकल के तहत दिए जाते हैं, उसका आंसर भी आर्टिकल 18 ही है, ये क्वेश्चन आ रखा है एफबीपीसीएस का सेम क्वेश्चन, इसलिए याद रखना ये उसे जो आपके नागरिक को दिए जाते हैं वो भी आर्टिकल 18 के तहत दिए जाते हैं, भले उनको भी आप क्या नहीं कर सकते हो अपने नाम के आगे भी लगा सकते हो, ठीक है ना, लेकिन दिए हो इसके तहत ही जाते हैं। अगला
भारतीय संविधान में गोल्डन ट्रायंगल यानी स्वर्ण त्रिभुज किसे कहा जाता है, किस आर्टिकल को कहा जाता है, तो कहा जाता है 14, 19, 21 समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और प्राण देह स्वतंत्रता का अधिकार। अगला अब आते कंप्यूटर के, देखो इन्होंने कर दिया मजेदार कंप्यूटर क्वेश्चन था, ऐसा नहीं इसमें नॉर्मल पढ़ा हुआ सब कर सकते हैं। आपको बताना सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो देखो आप अगर ध्यान देंगे तो तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, डॉस का ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज 10 भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको बताना एक सिंगल यूजर